वही है ना कि अगर सेकेंड टर्म का अगर सिलेबस स्कूल वाले जैसे पढ़ाते हैं वो तो मतलब आप लोग के पर, तो मैं पहले ही कह रहा था बुक वन बुक टू होगा, पनवेल में ही स्कूल की नाटकबाजी है, जिस चैप्टर से जिसको मन करता है पढ़ाते हैं। एनीवेज कीपिंग टू द साइड, मेरा डाउट बस इतना है कि अगर आपका सिलेबस मान लो 10 अगस्त को खत्म हो गया तो लोग 12th वो लोग बुक टू शुरू कर देंगे, तो यस नवंबर आते आते बुक वन कैसे याद कराने वाले हैं आपको? तो पता नहीं, लेकिन बुरा है कि से जाए एक्चुअली एक्चुअली हुआ बहुत अच्छा है, पता है होना चाहिए ऐसे ही। होता क्या है ना, बच्चों को लगता है कि 6 महीने में सिलेबस खत्म कर दो जी आप, मतलब ऐसा है कि राजधानी एक्सप्रेस बन जाओ मैं। अरे भाई तुम्हारी औकात नहीं है समझने की, 6 महीने में समझ में नहीं आता सिलेबस खत्म कैसे करते हैं 4 महीने। एक्चुअली होना ऐसे ही चाहिए कि 6 महीने में 6 चैप्टर पढ़ाओ, शांति से पढ़ाओ बिना नाटक के। उनके पास उतना है नहीं ना पढ़ाने के लिए, उतना पढ़ा नहीं सकते, उनको आता ही नहीं उतना, दिक्कत ये है ना। मुझे कह दो पढ़ाने को, मेरा एक ही चैप्टर एक साल चला दूंगा मैं तो, और चलाने मतलब ईमानदारी से चलाऊंगा, टाइम पास ही चलाऊंगा। वो मेरा दिक्कत तो है वो, मतलब एक्चुअली मुझे लगा था कि लोग करेंगे बट स्कूल वाले फॉलो करेंगे नहीं, है बहुत अच्छा। अक्टूबर में कराओ एक बोर्ड और एक मार्च में, और स्कूलों को भैया 6 चैप्टर ज्यादा नहीं पढ़ाओगे तुम बच्चों को। सर। डीएबी में तो लीनियर प्रोग्रामिंग ही बाकी है, बाकी सब हो गया। अरे अजीब लोग हैं यार, मतलब शर्म भी है तुम्हारे प्रिंसिपल को एक्चुअली। लेवल से बच्चों को बोलो यार, मतलब उन्होंने पूरा कर दिया सिलेबस, नाउ व्हाट, नाउ व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू, क्या करोगे आप लोग स्कूल में? नहीं सर, मतलब इंटीग्रल शायद से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शायद से बाकी है, और लीनियर प्रोग्रामिंग पूरा बाकी है, बाकी सब लिमिट कंटिन्यूटी सब हो गया स्टार्ट। इंटीग्रेशन भी हो गया? उतना नहीं पता मुझे। अरे तुम बुक वन की बात कर रहे हो, ठीक है अरे हमारे 2 चैप्टर तो फिजिक्स में बुक टू से ही पढ़ा है सर। तो फिजिक्स में। अरे 2 चैप्टर बुक टू से ही पढ़ा है हमारे। बड़ा मजा आ रहा है मुझे, पता है होना ऐसे चाहिए था बुक वन बुक टू। ये जो मेन दिक्कत है ना पनवेल के स्कूल की, ये है बहुत बदतमीजी यहाँ, बस पूरे इंडिया में इतने जगह मैं देखता हूँ, एक यहीं का स्कूल है ना पनवेल के, 5 3 4 स्कूल। यार सिंपल सी बात है, जिस ऑर्डर में एनसीईआरटी में दिया गया है तुम क्यों नहीं फॉलो कर सकते हो? कोई समझ में नहीं आता स्कूल का तरीका, डीएवी का और बाकी लोगों का। 11th में तो मचा ही देते हैं, कोई स्कूल प्रोबेबिलिटी पढ़ा, मतलब कोई स्कूल तो बिना बायनोमियल के प्रोबेबिलिटी भी लास्ट से पढ़ाया था पीएनसी, पता नहीं भाई। चलो तो एनीवेज अच्छा है, ठीक है अच्छा, मजा आ रहा है मुझे। हम पढ़ाई करते हैं भाई, पहले होमवर्क पढ़े से फिर बातें करेंगे अपन। होमवर्क क्या है अपना बताओ बेटा। 13.5 क्योंकि अब हम लोग कोई प्लान चेंज, मैं इसलिए वेट कर रहा था प्लान का, मतलब थोड़ा सा चेंज मुझे भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि इतना तो क्लियर हो गया ना कि भाई मैं पता नहीं यार भाई स्कूल का ना भरोसा नहीं है, स्कूल का सब कुछ आधा शेड्यूल हटा दिया है बोर्ड में से, मेंस में से हटाओगे नहीं फिर बच्चों को तो पढ़ना ही पड़ेगा ना कहीं से। तो कल तो मैं भी लिमिट शुरू कर दूंगा 13 पॉइंट, फाइव और मिसलेनियस। पोटेंशियल उनका फिजिक्स में क्या चल रहा है? सर पोटेंशियल चल रहा है, बढ़िया बढ़िया। सर ने लगता है स्पीड पकड़ ली, खींचा है स्पीड ने, सर ने खींचा है। तो नेक्स्ट बोलो। चलो बोलो। 13.5 का 8 वाला 13.5 पहले करते हैं, 13.5 डिस्कस कर रहे हैं जी। क्वेश्चन वन, कुछ कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन होते हैं उसको नॉर्मली अपन उससे भी कर सकते हैं ना, काउंटिंग से, है ना? 1 2 3 4
7 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. वो जो हेड और टेल का है कोई मतलब ही नहीं है ना उससे. तो हेड आया टेल आया उससे क्या मतलब है? हमें तो 12 क्वेश्चन करेक्ट करना है ना. वो चाहे ट्रू मार्क करे चाहे फॉल्स मार्क करे, वी डोंट केयर. व्हाई? बिकॉज इन ईच केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन करेक्टली इज हाफ एंड आंसरिंग इट रॉन्गली इज हाफ. ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. आगे बोलिए. तो वो 8 का कॉमन सेंस तुमको क्या लगता है? हर चीज नहीं बताई जाती हमेशा. बी एन एस, तुमको कॉमन सेंस लगाना सीखना पड़ेगा प्रीति. बी एन एस मतलब कॉमन सेंस मतलब जुगाड़ करके आंसर लाना. नंबर ऑफ ट्रायल्स इज एन और नंबर ऑफ सक्सेस, सॉरी प्रोब ऑफ सक्सेस. सिक्स कॉमा हाफ का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल. एक ट्रायल है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी. अब यहाँ पे एक सक्सेस, तो एक सक्सेस और 5 फेलियर, 2 सक्सेस. तो सारे ही टर्म में 1/2 की पावर 6 आ रहा है ना. तो मैक्सिमम बाइनोमियल टर्म कौन सा होता है? मैक्सिमम बाइनोमियल टर्म कौन सा होता है? मिडिल टर्म होता है ना. आगे बोलो. हाँ आगे बोलिए सर. 9th वाला. ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जाम विथ 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स जस्ट बाय गेसिंग. 5 क्वेश्चन है जी, है भाई? यस सर. तो मुझे बताओ क्वेश्चन 1 को आंसर करने के कुल कितने तरीके हैं? पांच तरीके हैं. कैसे? 3 ऑप्शन है ना. 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच. तो 3 आंसर. क्वेश्चन 1 के सामने ए बी सी लिखा हुआ है जी, और मल्टीपल चॉइस है. तुम क्या क्या मार्क कर सकते हो? ए बी सी. छोड़ने का ऑप्शन है क्या? दो बार आ गया सर. बी सी. तुमने क्लियर नहीं किया. अपन मांगे चलते हैं, छोड़ भी सकता है ना बंदा. यस सर. तो इसमें से सही होने के आंसर्स क्या पॉसिबल हैं? 7 उसके पास. तो ये है ना ऑप्शंस. तो सही होने की प्रायोरिटी कितनी है? 7/8. है? अरे इसमें से एक ही कोई सही होगा ना. तो सही होने की प्रायोरिटी कितनी है उसकी? 1/6. Okay, अरे हेलो. यस सर. तो सही होने की प्रायोरिटी क्या है क्वेश्चन 1 की? 1/7. समझ में आया? मल्टीपल चॉइस एग्जाम देते हैं तो प्रायोरिटी कितनी कम हो जाती है आपके सही होने की. यस सर. अभी 5 क्वेश्चन है ना, तुम्हें क्या चाहिए? प्रायोरिटी ऑफ करेक्ट इक्वल टू 4 4 और मोर करेक्ट आंसर्स. 5 क्वेश्चन है क्या? अच्छा, तो प्रायोरिटी ऑफ करेक्ट 4, प्रायोरिटी ऑफ करेक्ट इक्वल टू 5. क्या होगा? 5C4, 1/7 की पावर 4, 6/7, 5C4, 1/7 की पावर 5C5, 1/7 की पावर 5. सही भी है क्या आंसर? सिंपलीफाई करो. चेक करो, मेरे खास से गलत होगा. चेक करो. यार मल्टीपल चॉइस एग्जाम दिया है, 1/3 थोड़ी हो सकता है. सिंगल चॉइस देना चाहिए, सिंगल चॉइस एग्जामिनेशन है कि नहीं? यस सर.
और उन्होंने 1/3 माना है राइट, तो उन्हें छोड़ने का ऑप्शन नहीं माना है ना, वन बाय थ्री भी मान, तो ठीक है 1/3 मान लेंगे अपन, जब उन्होंने अपने एग्जाम में लिख के आएगा ठीक है, डोंट वरी सही, अगर एग्जाम में सिंपल सा मुझे जो लगा मैंने वो किया, इतना क्लियर है क्या? आगे बोलो सर, टेंथ कौन सा, टेंथ वाला मुझे वो बाय वो थोड़ा समझा नहीं क्या बता, बाय इज अ लॉटरी टिकट इन 50 टिकट, 11th में भी आ चुका है क्वेश्चन, लॉटरी टिकट एक खरीदा इन ईच ऑफ व्हिच हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज, ये तो हमने किए थे ना 11th की प्रायोरिटी वाले बुक से, प्रायोरिटी ऑफ विनिंग कितना है 1/100 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही विल विन प्राइज एट लीस्ट वंस, तो प्राइज कैसे जीत सकता है वो, प्राइज 0 प्लस बोलो भाई, प्राइज 1 सर वो एक टिकट खरीद रहा है ना, तो एट लीस्ट वन मतलब वो टिकट कितने खरीद रहा है, एक ही खरीद, वही मुझे डाउट, सर वो 50 लॉटरीज में 50 टिकट्स था, 50 में से अब हर एक लॉटरी के लिए एक टिकट है, कुछ तो मतलब क्वेश्चंस की लैंग्वेज को ऐसा है, सर 50 अलग अलग लॉटरी सर, हर एक लॉटरी में से एक एक टिकट, हाँ वो 50 लॉटरीज है और 22 लॉटरी टिकट है, 50 लॉटरी 50 ब्रांड की लॉटरीज है, ओके तो प्रायोरिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू 2 टाइप से करना है ठीक है, और बोलो, हाँ 11th अभी 11th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है, ये तो हम लोग बेसिक क्लासिकल प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते हैं ना, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी, अरे बात चमक रही है, 12th वाला क्वेश्चन दोनों से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अगर 12th वाला मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से करूं तो क्या आएगा बताओ, प्रायोरिटी ऑफ 6 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 प्रायोरिटी ऑफ 6 इक्वल टू 1 प्रायोरिटी ऑफ 6 इक्वल टू 2 6 इक्वल टू 0 का मतलब कितने ट्रायल हैं, 6 ट्रायल है ना, 6 तो 6 0 6 एक भी बार नहीं आया ना, 5/6 के बाद 5/6 के बाद 6 एक बार आया ना, समझना पड़ेगा कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आपका वो काम आसान हो जाता है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी वाला भी, ये बात चमकती है, अगर क्लासिकल से करें सैंपल स्पेस कितना है 6^6 हाँ तुम क्या चाहते हो 0/6 1/6 2/6 तो 0/6 मतलब अपने को कितने जगह भरने हैं, 5 जगह ना, तो एक में भी 6 नहीं आना चाहिए, सबके लिए कितने ऑप्शन रहेंगे, 5 ऑप्शन, एक 6 चाहिए ना, मतलब 6C1 से एक जगह चुन के 6 डाल दिए, बाकी 5 जगह पे 5 ऑप्शन चमकता है, 6C2 से 6 डाल दिए और वहां पे 4 जगह बचा है वहां पे 5 की पावर, क्लियर है क्या, yes. ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हो गया और ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी से हो गया, ये बात चमकती है, Yes. कई बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको आसान कर देता है, बिकॉज कई बार क्लासिकल प्रोबेबिलिटी से ओवरऑल काउंटिंग करने में डिफिकल्टी आ जाती है, ये बात चमकती है क्या, नोट्स में कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन ईमानदारी से,
हो गया जी। चलिए आगे बोलिए। थर्टींथ बोलो भाई, बोलो, पूछो पूछो पूछो, नहीं किए हो तो बता दो, उससे नहीं कर पाए हो। थर्टींथ, थर्टींथ हो गया। यस सर। फोर्टींथ, फिफ्टींथ, हाँ मिसलेनियस भी था क्या? अरे 15 में ऑप्शन ए और सी में मतलब ऐसा क्या फर्क होगा? ऑप्शन ए और सी में कोई फर्क नहीं है, दोनों वैल्यू सेम है ना। हाँ सर, एनसीईआरटी पागल हो गई है। ठीक है, दोनों सही आंसर है। चलो मिसलेनियस बोलो। फिफ्थ का फोर्थ वाला, फोर्थ वाला। और बैग कंटेन्स 25 बॉल्स आउट ऑफ विच 10 बॉल्स बेयर अ एक्स मार्क एंड रिमेनिंग बेयर अ वाई मार्क। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स मार्क इज नोटेड एंड रिप्लेस्ड। 6 बॉल्स आर ड्रॉन। तो हर ट्रायल पे बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितना रहेगा बच्चे? क्या हो रहा है? ठीक है, कितने ट्रायल है बेटा? नंबर ऑफ, आप कौन सा पूछे हो? 3 का पूछे हो ना, तो नंबर ऑफ बॉल्स विथ एक्स एंड वाई मार्क विल बी इक्वल। ये कब पॉसिबल है बताओ? एक्स का 3 ट्रायल्स और वाई का 3 ट्रायल्स। एक्स का 3 आया है और वाई का 3 आया है। ठीक है, मतलब 6c3 से 10/25 का क्यूब और 15/25 का चमका। चमका सर। आगे बोलो बेटा। 11th कब करें बेटा? 1 मिनट सर। हो गया सर। हाँ बोलो, कौन सा? 11th। क्योंकि ये कहाँ तक थे हम? 6th, 5th, 6th, 7th, 8th, 7th कर लिए हो? Yes sir. Yes, 7th sir. अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 7th में क्या हो रहा है बताओ? 3rd, 6th, 6th रो में आ रहा है, मतलब 6th हो जाएगा वो। थर्ड तो अपन क्लासिकल प्रोबेबिलिटी से करें तो क्या होगा? सैंपल स्पेस 6 की पावर 6 और यहाँ पे 6 आ गया ना। Yes, sir. अपन को क्या चाहिए इसमें से? इसी दो में 6 5 और बाकी 3 जगहों पे 1/5 बाकी के 5 को बिठाना है। सही है ना फिर मेरा? सही है ना? बोलो हाँ है ना। Yes, sir. अरे यार कोई बोल नहीं रहा यार। अगर मैं प्रोबेबिलिटी अगर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से करूं तो मुझे क्या इवेंट चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ
यहाँ पे x इक्वल टू टू एंड 16 लास्ट प्लेस लास्ट प्लेस. अरे हाँ या ना, ये दोनों इवेंट कैसे हैं? इंडिपेंडेंट. अरे हाँ या ना, हाँ सर. उसकी प्रॉपर्टी कितनी आएगी, 1/6 और x इक्वल टू टू मतलब 5c2 कहीं भी 6 आने की प्रॉपर्टी कितनी है? 1/5 की पावर यार सुनता नहीं है, 5/6 का पावर क्यूब. अरे क्लियर है क्या? यस सर. दोनों आंसर सेम है क्या? यस सर. प्लीज कॉपी नोट्स, प्लीज कॉपी नोट्स. एक सेकेंड वापस लेट हो रहा था. जब सर बोले ना क्योंकि पूरा मार्केट गए तो उस समय वापस से लग रहा था हाथ को, वापस ऐसे चार ऐसी ऐसी पूरा ऐसे बैट उठा के ऐसे मार रहा था. उसके पहले सर मेरा अजीब सर क्यों जा रहा है लेट लगा था सीनियर बॉल जैसे बैट पे लगा मेरा हाथ कांप रहा था. लोग सीजन बहुत अटेंड करते हैं पता है लास्ट आज के प्रॉब्लम होता है आज में 8 मीटर ऐसे भी जा रहा है एकदम फोन पे बाबा करोगे ना बिना बॉल बॉल पहली बार नहीं करना है. कॉपी कर लिए क्या सर? नहीं मैं पावर बढ़ गया हाँ बोलो नेक्स्ट. 9, 10, 9, 10, 11 में आंसर प्रॉब्लम है क्या? उसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो -91/54 है. कुछ बुक में गलत दिया हुआ है आंसर, कुछ बुक में ये दिया हुआ है. क्या बोल रहे हो सर? एक बार करके बताइए. नहीं सर कर रहे हैं, ट्री नहीं बना उसका. ट्री क्यों बनाएंगे? इवेंट लिखो ना पहले, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है बंदे के लिए. 6 आ गया काम रुक गया, या 6 नहीं आया 6 आया, 6 नहीं आया 6 नहीं आया 6 आया, या 6 नहीं आया. तो यहाँ पे पैसे की वैल्यू कितनी है? एक्सपेक्टेशन क्या है? 1 रुपीज. यहाँ पे 0 रुपीज, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -5. तो इस वाले 6 की आने की प्रायोरिटी कितनी है? 1/6. यस सर. इसकी प्रायोरिटी कितनी है? 5/36. क्या पढ़ाया मैंने? 5/30 लेंगे. 30 क्यों लेंगे? तो 6 पहले आ गया उसको काउंट नहीं करें मतलब. अरे क्या बकवास कर रहे हो भाई? प्रायोरिटी ऑफ 6/6 क्या होगी? प्रायोरिटी ऑफ 6/6 दोनों इंडिपेंडेंट है ना भाई? यस सर. यहाँ पे क्या होगा? तुम उससे देखो क्लासिकल प्रायोरिटी देख लो. हमारे पास 2 बक्से हैं, तुमको पहले में 6 नहीं भरना है और यहाँ 6 भरना है. 5 * 36 यहाँ पे कितना आएगा बोलो? 25/216. 25/216 और यहाँ पे 125. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होगा बताओ? समेशन x इनटू px कितना आ रहा है बताओ? 1 × 1/6 प्लस 0 × 5/36 -1 × 25/216 -3
सर इस क्वेश्चन में एक लाइन है, द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाइस ट्राइस बट टू क्विट एज, मतलब वही तो, यही तो, वो तीन बार फेंकने को डिसाइड किया लेकिन छह आते ही गेम छोड़ के भाग जाएगा। ओके सर समझ, ठीक है कॉपी करो। परिश्रम तो नहीं पड़ता गेम रोज करने को, हां टूट रहा है टूट रहा है कुछ नहीं कर सकते, मैंने केमिकल टूट गया कुछ नहीं बोला सर, ठीक है तुम खेल लो। नहीं हो रहा है तुमसे भाई, नहीं हो रहा है, कर रहा हूँ हो जाएगा। तुम गलत करते हो फिर सब चीजों को, इसलिए लास्ट तक खत्म मत करो, कोई छोड़ दो सपना, छोड़ देता हूँ, तुम सब गलत करते हो आना सपना। कौन है? आर्यन है। क्या काम है उसको? छोड़ो वो, छोड़ो किया है तो उठानो होता है। सर हो गया कॉपी करके। हाँ 11th हो गया, 12th थर्टींथ 14th 14th क्लास में नहीं किए थे सर, 13th 13th में क्या दिक्कत है बताओ, क्या हो रहा है बताओ, सुनो बताओ क्या हो रहा है। आज पेशेंट के हार्ट अटैक आने का प्रोबेबिलिटी 40% है, 0.4 अगर वो मेडिटेशन या योगा करेगा तो हार्ट अटैक का रिस्क 30% कम हो जाएगा। हाँ तो मतलब अगर मेडिटेशन किया और दवाई खाया, अगर मेडिटेशन किया तो हार्ट अटैक आने का प्रोबेबिलिटी कितना रह जाएगा? तो पहले 40% था, फिर 30% रिड्यूस हो गया ना। यस सर। कितना रह गया? 28/100 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25% कम हो गया ना, यहाँ पे कितना आएगा? 30/100 क्लियर है? यस सर। और इन दोनों की प्रायोरिटी हाफ हाफ दे रखी है, तो हो गया ना। सर मैंने 100 में से 40 में से 30% 0.1 लिया। 14th क्वेश्चन नहीं कराया था क्वेश्चन ऐसा मैंने, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट ए बी सी डी यार नहीं मालूम है, डिटरमिनेंट नहीं पढ़ाया गया 11th में? नहीं सर। अरे सर ने पढ़ाया होगा ना, जेपीएन सर ने ओपन करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट को। हाँ सर, हाँ सर वो पढ़ाया। एडी माइनस बीसी शुड बी, क्या इसका वैल्यू यही होता है ना, AD माइनस BC? यस सर। क्या चाहिए इसका वैल्यू? पॉजिटिव होना चाहिए ना। yes. तो A और ABCD की वैल्यूज क्या पॉसिबल हैं? जीरो। बोलो क्या होगा? तो पॉजिटिव कैसे? अब तो ये बताओ AD की वैल्यू अगर पॉजिटिव होनी है तो AD की क्या, AD की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है बताओ? वन। और आई थिंक जो मैंने आप लोगों को पेपर भेजता हूँ कई बार उसमें था ये क्वेश्चन एक दिन, एडी वैल्यू क्या पॉसिबल है? वन। एडी वैल्यू पॉसिबल क्या है? वन या जीरो ना। और बीसी क्या पॉसिबल है? वन या जीरो। पॉजिटिव होना है तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? एडी वन हो जाए और बीसी जीरो। जीरो। अरे यार क्या तुम लोग दिमाग खराब कर रहे हो, ये नहीं हो सकता ना, ये नहीं हो सकता ना। AD1 कैसे हो सकता है? A और D1। और BC0 कैसे हो सकता है? B और D1 में 0 है ना। एज अ होल कितने केस बन गए? 6 3 3 बन गए ना केस। हां सर। यस सर। अरे भाई साहब 3 बने ना केस। हां सर। 3/16 ना, 16 कैसे आ गया? हर वैल्यू को भरने के दो तरीके। जो मैं बीच में दो तीन बार पीडीएफ भेजा देखना, उसमें एक बार क्वेश्चन होगा एडी माइनस बीसी जीरो। देखना क्वेश्चन वो, ठीक है आगे बोलो। एक मिनट कॉपी कर रहे सर।
हो गया सर। हाँ 15th, 16th, 17th, 18th, 19th अरे हो गया क्या? हाँ सर हो गया। क्वेश्चन लिखो एक। फ्रॉम बैग वन 4 black, 5 white a ball is transferred to bag 2 again from bag 2 transfer to bag 1 one ball now a ball is drawn now a ball is drawn from bag 1 find probe it is white सॉल्व करो। बैग टू खाली है। अच्छा बैग टू में 5 white, 4 white अरे यार 5 black, 4 white सॉल्व करो।
भाई अगर हो जाए तो बता देना, वेट ही कर रहा हूं। क्या किसी का नहीं हो रहा? कर रहे हैं। टाइम थोड़ा लग सकता है, 2 मिनट का क्वेश्चन है यार। हो गया सर, हो गया सर। टाइम लेने का मतलब नहीं। क्या हो रहा है बताओ? बैक अच्छा तो अरे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने, इसमें इतना टाइम लग गया क्या? अरे रे गलती दिया है मैंने ये तो। ओहो बेकार क्वेश्चन दिया मैंने तो, इसमें मेरा टाइम लगा, मुझे लगा मैं टफ दिया था। ओहो इसमें तुम्हें वो टाइम लगा है। देखो जो लोग ऑनलाइन सहारा लेके सॉल्व कर रहे हो ना, मतलब पता नहीं वैसे ये लोग चुप ही रहते हैं, लोग तो बहुत बड़े हो चुके हैं लगता है, लोग आईआईटी में सीट फिक्स हो चुका है, नैतिक हुए, अन्वेषा हुए, लोगों तो आंसर देने से मतलब नहीं है, हुआ नहीं हुआ कोई आइडिया नहीं है। क्या भाई तुम लोग को हो चुका है अन्वेषा? आ गया था आंसर नैतिक? हाँ सर। तो बोलना चाहिए ना आ गया आंसर सर, वेट कर रहा हूँ ना आंसर का। वो क्वेश्चन मैंने गलत दिया था, ये सॉल्व करो। मजाक थोड़ा चल रहा है यार, कितना ज्यादा फास्ट करो बेटा अभी इसमें तो यार, फटाफट ट्री बनाओ। हो गया सर, हो गया दे रहा हूँ 3 मिनट फटाफट, जो ट्री नहीं बनाए थे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप बैठे रहेंगे 50 मिनट। तो यस सर।
हाँ भाई हुआ क्या? ऐसे करें, पहला इवेंट्स क्या है, फर्स्ट सेट ऑफ इवेंट्स ट्रांसफर रेड वन ट्रांसफर हाँ बोलो व्हाइट ट्रांसफर क्या ब्लैक ट्रांसफर क्या फिर क्या हो रहा है सब ब्लैक अरे यार बोलो बेटा फिर इसके आगे बैक टू में से बैक वन में से निकालेंगे हाँ सिंपल सी बात है ना बैक वन का काम खत्म हो गया ना हाँ और वापस बैक टू से क्या हो सकता है बैक टू से व्हाइट ट्रांसफर या भाई वही चीज व्हाइट टू या ब्लैक टू क्या होगा बोलो नो कंफ्यूजन डायरेक्ट आंसर ठीक है फिर इसके आगे अब क्या हुआ बैग वन से बॉल निकाला गया ना क्या भाई क्या निकाल सकते हो बॉल व्हाइट या तो ब्लैक व्हाइट और ब्लैक बोलो समस्या है क्या यहाँ पे नो सर अब प्रोबेबिलिटी लिखी जाए हाँ सर चलो लिखते हैं बोलो भाई तो व्हाइट वन की ट्रांस प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/9 और ब्लैक की बेटा 4/9 पहले ब्रांच में बढ़ रहे हैं तो व्हाइट गया वापस व्हाइट आया व्हाइट गया वापस व्हाइट आया कितना होगा 6/10 5/10 अब बैग वन में कितने बॉल्स हो गए बैग वन में स्थिति क्या है व्हाइट गया व्हाइट आया व्हाइट गया व्हाइट आया ये बताओ व्हाइट गया तो मतलब ही नहीं ब्लैक से अब ये ब्लैक टू की प्रायोरिटी कितनी होगी बताओ व्हाइट गया है व्हाइट गया है व्हाइट गया है और ब्लैक लाना है व्हाइट गया है और ब्लैक लाना है बोल के क्या अगर हमें समझ में अब यहाँ पे क्या होगा बताओ व्हाइट गया ब्लैक आया व्हाइट गया ब्लैक आया तो 4/9 अरे यार चार्जर लेटर देना प्लीज अच्छा चार्जर देना टक्कर यहाँ बताओ फिर दो मिनट बताओ फिर ब्लैक गया व्हाइट आया हाँ ब्लैक गया व्हाइट आया क्या होगी प्रायोरिटी 6/9 और नीचे वाले का 6/9 कैसे हो गया मुसल 6/9 कैसे हो 4/10 बड़े आप लोग बेवकूफ किस्म के लग रहे हैं चलो बताओ फिर हम ही कर ले फिर आप लोग से नहीं हो पा रहा है तो ठीक है भाई ब्लैक आया है ना ब्लैक आया है और व्हाइट भेजना है तो व्हाइट भेजने की प्रायोरिटी कितनी रहेगी 4/10 और ब्लैक आया है और ब्लैक भेजने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 6/10 अभी इस वाले की प्रोबेबिलिटी सर यहाँ पे 6/9 यहाँ पे 6/9 और यहाँ पे ब्लैक आया ब्लैक गया 5/9 ब्लैक आया ब्लैक गया ब्लैक आया ब्लैक गया 5/9 है जी क्या बोल रहा है बॉल निकाला गया व्हाइट पाया गया है ना भाई चलो भाई व्हाइट बताओ व्हाइट आने की प्रायोरिटी कितनी आ रही है 5/9
पांच बाई दस, पांच बाई नौ प्लस जेई में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तीन ट्री वाले हमेशा, पांच बाई नौ प्लस छह बाई नौ, चार बाई दस प्लस पांच बाई नौ, छह बाई दस चार बाई नौ। ऊपर में क्या चाहिए उनको? ब्लैक ट्रांसफर, ब्लैक वॉज ट्रांसफर इन ट्रांसफर वन ना, ब्लैक वॉज ट्रांसफर, ब्लैक वॉज ट्रांसफर, तो कौन सा केस चाहिए बताओ? टीबी वन पूरा लगेगा ना केस, पूरा केस है ना, छह बाई नौ चार बाई दस चार बाई नौ प्लस पांच बाई नौ छह बाई दस चार बाई नौ। आपको चमका गया कुछ भी? जरा इवेंट से बताओ मित्र, इवेंट से कैसे करें, इवेंट से, इवेंट्स क्या निकालना है बताओ, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? क्वाइट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ना रे बेटा, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है? टी बी वन इंटरसेक्शन व्हाइट, प्रोबेबिलिटी व्हाइट। हाँ बेटा, अब ये व्हाइट जो है ये किससे हो रहा है? दो ट्रांसफर के बाद TB1 और व्हाइट, और ये जो प्रोबेबिलिटी व्हाइट है ना ये बड़ा डेंजरस है, ये जो व्हाइट इवेंट है ये व्हाइट इवेंट हो किससे रहा है? ये बात चमकती है, ये व्हाइट किससे होगा? व्हाइट किससे होगा बोलो? TW1, TW2, दिस इज नाउ प्रॉब्लमेटिक, TW2, TW, सॉरी अरे बात चमकी क्या? यस। तो आपका जो ये व्हाइट वाला है वो किसमें ब्रेक हो गया? सर व्हाइट टीबी से भी होगा ना सर? लिखा तो है हमने व्हाइट को टीबी से, नहीं समझे? लेट मी एक्सप्लेन इट मोर प्रॉपरली देन यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, समझो ध्यान से। यहां पे अब तक आप लोग को हैबिट क्या थी? एक इवेंट होता था और उसके पहले कुछ इवेंट होता था, राइट? लेकिन यहाँ पे इवेंट हुआ है, उसके पहले एक इवेंट हुआ है और उसके पहले भी इवेंट हुआ है, ये बात चमकती है। तो आपका जो वाइट है आप वाइट को स्मार्टली, वाइट के पहले मैं चार पार्ट में सैंपल स्पेस को बांटूंगा, बताओ किसमें? TW1, TW2, हाँ TW1, TW2, यहाँ पे TW1, TW2। एक काम करे, हाँ बोलो, TB1, TW2, TB1, TB1, TB1। चमक रहा बेटा आपको, मैं क्या बताना चाह रहा था? हाँ। तो अब यहां से आप व्हाइट लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। अब व्हाइट इवेंट क्या है आपका? आपका व्हाइट इनसे हो रहा है ना भाई? यस सर। अरे ये बात समझ में आती है कि व्हाइट इवेंट इससे नहीं हो रहा है, लिखना गलत हो जाएगा, है ना? व्हाइट किससे हो रहा है? TW1, TW2, W1, B2, B2, Union, B1, B1, W1, B2, Union। तो आपको जिंदगी में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ब्रेक करना, आप W को थोड़ा से लिख दोगे, बात चमकती है? हाँ सर। ये बात चमका, तो आपका नीचे में क्या बन जाएगा इवेंट बताओ? प्रॉपर्टी ऑफ W W W1 W2, ऊपर में यहाँ पे W W1 B2, हाँ प्लस W1 W2 B1 W2 प्लस
W B1 B2 ऊपर में क्या आएगा बताओ? B1 वाले आएंगे सर, B1 वाले आएंगे ना सर, इंटरसेक्शन लेना है ना अपन को, है ना? कौन सा आएगा बताओ? W B1 B2 plus W B1 B2। ये बात चमकती है। अब इसको आप ब्रेक कर सकते हो ना, कैसे ब्रेक? एक ब्रेक अगर दिखाओ मुझे, कैसे ब्रेक करोगे? W गिवन W2 W1 है ना, फिर प्रोबेबिलिटी W2 गिवन W1 इक्वल्स प्रोबेबिलिटी W1। तो इवेंट का मेथड छोटे क्वेश्चन को अच्छा होता है। और उसे मैं एक और ट्रांसफर कर दूं, इवेंट लिखने जाओगे तो पॉसिबल है क्या? लंबा हो जाएगा बहुत ही। अरे बहुत लंबा हो जाएगा ना, पागलपन हो जाएगा सर, फोड़ लोगे अपना। ये बात चमकती है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? लेकिन कई बार क्वेश्चन में इवेंट नहीं दिख पाते हैं स्टार्टिंग में, तो हमेशा ये कर लिया करो कि निकालना क्या है। ये लिखने के बाद ना आपको ट्रिकी खुद ब खुद फील आएगी। जैसे योगा वाले क्वेश्चन में मैं शाम को दूसरे बैच में पढ़ा रहा था, तो बच्चा ना ऐसे स्टार्ट किया था पहले योगा को 40% हार्ट अटैक और नॉट हार्ट अटैक, ये तो कंफ्यूज हो गया। तो मेरा मानना है पहले हमेशा ये करो, फिर हमेशा प्रोसेस ट्री बनाओ, भले ही प्रोबेबिलिटी मत लगाओ प्रोसेस ट्री पे। फिर अगर तुमको इवेंट से करना है इवेंट से करो, या तुमको ट्री से करना है ट्री से करो। ऑब्वियसली अपने सिलेबस में ट्री ज्यादा आसान है। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। ड्रॉप करें, तो लिख रहे हैं। ड्रॉप करूं क्या? एक क्वेश्चन करेंगे आप लोग, लेकिन करेंगे तो मतलब ये नहीं कि टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है? चलो, देयर आर, दुनिया में हमेशा सबसे पहला इवेंट क्या होगा ना, वहां पहुंचा करो।
सर डे आर क्या लिखा है उधर, डे आर सर्कल में? डे आर ओनली टू कंजेक्टिव लेटर्स आर रीडेबल एंड दे आर ओएन, मतलब ओएन दिख रहा है बस। हाँ भाई, क्या पहला क्वेश्चन हिला भी कुछ समझा? डिस्कस नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे यार, डिस्कस नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे। तुम लोग रहो चुप गधों की तरह, सारे मुझे बहुत तेज है, कोई डिस्कस ही कर नहीं रहा आपके बैच में, सब चुप बैठे हुए हैं। सबका बन गया, बन गया भाई पहला सबका? नो सर, नहीं बना। नहीं सर, तो बताओ तो वो कुछ डिस्कस करोगे तब ना। तुम लोग चुप बैठ जा रहे हो, डिस्कस तो करो, क्या चल रहा है क्वेश्चन बताओ। तीन केस बनेंगे, तीन केस नहीं बनेंगे। वो जो तुम केस बना रहे हो ना, केस बनाने में कभी इवेंट्स का यूज नहीं करते हैं, याद रखना।
तुम ये सोच रहे हो ना कि एक बॉल तो वाइट पा ली गई, दूसरा बॉल तो वाइट नहीं होगा, जीरो हो गया, ही बोल रहे हो ना? हाँ, मतलब एक बॉल गड़बड़ है ना, गड़बड़ गड़बड़। तुम प्रोबेबिलिटी, तुम वही फंस जाओगे, वही फंस गए तुम। तुम उस ब्रांच का जब तुम ट्री से करते हो, चलो इवेंट, चलो बताओ इवेंट से करना है ट्री से करना है, कैसे करे बोलो? चलो पहले प्रोसेस, अभी मैं ट्री से नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोसेस बना रहा हूँ, प्रोसेस ट्री। तो अब कभी भी गिवन चीज को यूज करके नेवर राइट प्रोबेबिलिटी। दुनिया में सब इस क्वेश्चन में सबसे पहला दुनिया में काम, किसी का आंसर आया है क्या? एनीबॉडी कोई स्मार्ट है क्या? सर 5/8 आया। ना भाई, गलत है। ठीक है, नेवर यूज द प्रोबेबिलिटी इवेंट्स, नेवर मेक द इवेंट्स अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटीज गिवन। भले ही तुम उस ट्री पे प्रोबेबिलिटी जीरो रख दो, बट डोंट मेक, तुम्हें गलती वही करते हो तुम लोग। सबसे पहला दुनिया में इवेंट क्या होगा इस क्वेश्चन में? एक बॉल ले। नहीं रे, उसके भी पहले है। हाँ, उसके भी पहले है, बताओ सबसे पहला चीज क्या होगा इस सिस्टम में? फोर बॉल से बैक में ब्लैक और। हाँ तो ठीक है, उसके जस्ट बाद क्या होगा फिर? एक बॉल। तो बंदा जो बॉल चुन रहा है वो कहाँ से चुन सकता है? मैंने क्या बोला है, हमेशा बनाओ ना बक्से, क्या वो किस बैग में से चुन सकता है? उस बैग में क्या हो सकता है? नंबर्स अननोन है ना। अच्छा, यस सर। तो क्या इवेंट पॉसिबल है उस बैग में? हाँ बोलो। चारों ब्लैक हो सकते। यस यस, ब्लैक और व्हाइट बोला है कि रेड और व्हाइट बोला है? ब्लैक और व्हाइट। तो व्हाइट जीरो मतलब White. अरे यार बोलो भाई। White two. ये दुनिया का सबसे पहला इवेंट नहीं होगा? हाँ सर। आप मुझे बताओ बस, क्या आपको कोई इसमें डाउट है कि सर दुनिया का पहला इवेंट नहीं होगा ये? मेरे ख्याल से दुनिया का पहला इवेंट यही है यार। भाई इसके बाद ही कुछ होगा ना। अब जैसे किसी ने बोला कि तीन ही इवेंट होंगे, नहीं ये होगा। अब इसके बाद क्या हुआ? अब अगला स्टेप क्या हुआ? अब बॉल कहां से निकाली जा सकती है? इन पांचों सिस्टम में से निकाली जा सकती है? यस सर। क्या निकाली गई है? वाइट निकाली। नहीं मालूम, वाइट वाइट या नॉन वाइट? वाइट या नॉन वाइट? वाइट या नॉन वाइट? वाइट या नॉन वाइट? वाइट या। ये बात चमकती है? अब बताओ सर, चार ही बॉल्स है ना, तो W5 नहीं है। बहुत जल्दी बोले। W3 और W4? W3 आएगा ना? नहीं आएगा। W3 आएगा। और W4 है। ठीक है, अब क्या होगा? व्हाइट आया, डाल दिया गया वापस। नॉन व्हाइट आया तो भी वापस डाल दिया गया। अरे हाँ या ना। अब क्या होगा? वापस एक वापस से बॉल निकालेंगे है ना। वापस से हर ब्रांच में बॉल निकलेगी ना। निकालो भैया, चलो निकालो। हम नॉन व्हाइट वाले पे मैं नहीं बना रहा हूँ। क्यों नहीं बना रहा हूँ नॉन व्हाइट वाले पे? मेरा काम नहीं है व्हाइट करना पहली बार। मेरा काम ही नहीं है। यहाँ क्या आएगा वापस बोलो? व्हाइट 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 नॉन व्हाइट व्हाइट सॉरी व्हाइट व्हाइट। यही पूरा आपका प्रोसेस ट्री है ना। प्रोसेस ट्री की बात कर रहा हूँ। प्रोसेस ट्री, ये प्रोसेस ट्री है। मुझे निकालना क्या है? अंग्रेजी में बताओ निकालना क्या है। इसलिए मैं इवेंट, इसलिए मैं ट्री पढ़ाता नहीं शुरू में। चलो बोलो निकालना क्या है, बोलो। फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हाइट। व्हाइट गिवन व्हाइट। एक काम करें, इसका नाम, इसका नेमिंग कर दें
अरे यार व्हाइट वन हो जाएगा ना यार, फिर क्या करेंगे इसका? व्हाइट ड्रॉन डी. White drone. अब बोलो क्या निकालना है प्रायोरिटी? हाँ समझे. अब ये क्या होगा बताओ, प्रायोरिटी जो लिखा है यहाँ में क्या होगा बोलो? प्रायोरिटी ऑफ व्हाइट इंटरसेक्शन व्हाइट ड्रोन है भाई. बोलो. यस सर. अब ये व्हाइट ड्रोन किससे होगा? व्हाइट ड्रोन जो खुद का इवेंट है वो किससे हो रहा है? हाँ जी, तो क्या बन जाएगा व्हाइट ड्रोन? डब्ल्यू प्लस व्हाइट ड्रोन डब्ल्यू टू. आपको चमका मैंने क्या किया? आप मुझे बताओ क्या आप लोग ईमानदारी से प्रायोरिटी का होमवर्क कर रहे हो, फिर भी नहीं बन रहा क्वेश्चन? तो फिर भाई मतलब गड़बड़ है ना फिर तो. व्हाइट ड्रोन को करोगे ना भाई, ये तो सिखाया मैंने बेसिक से. अरे भाई अभी भी तो बताया ना आपको W1 W2. बोलो ऊपर में क्या बन जाएगा बताओ? प्रायोरिटी ऑफ W W ड्रोन. अरे बोलो भाई आपका क्या बन गया बोलो? समेशन प्रोबेबिलिटी. कम ऑन गाइस, W1 W W W drawn W drawn W1 W1 और नीचे में probability of W drawn W1. ये बात चमकती है? Yes sir. समझ में आ रहा है? जरा वैल्यूज भरो, वैल्यूज भरो. यहाँ पे क्या है प्रायोरिटी? 1/5. यहाँ बताओ. जीरो. यहाँ बताओ. 1/5. यहाँ भी तो जीरो ही आएगा ना इस केस में? यस सर. और यहाँ बताओ. 1/4. 1/5 आएगा गधे? सर 4 आएगा. 1/4. हाँ 4 आएगा. 1/4. हाँ यहाँ पे 2/4. यहाँ पे 4/4. यहाँ पे 4/4. यहाँ पे वाइट की प्रायोरिटी 1/4. यहाँ पे 2/4. यहाँ पे 3/4. यहाँ पे 4/4. आप बताओ क्या लिखना है नीचे, क्या लिखना है ऊपर? इसका सम लिखना है ना, वाइट ड्रोन और डब्ल्यू वन ना? वाइट ड्रोन डब्ल्यू वन थोड़ी ना है. वाइट ड्रोन डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू का लिख दिया मैंने. डब्ल्यू एन. हाँ हाँ पीछे. हाँ ठीक है ठीक है. हाँ बोलो पीछे में क्या आएगा बताओ? 0 × 1/5. अरे यार बिल्कुल आप लोग को 1/5 × 1/4. बिल्कुल ही स्पून फीडिंग हो गई यार, शर्म आ रही है मुझे. मैंने क्या पढ़ाया? 1/5. जितना क्लास में पढ़ाया जाता है उस पे टाइम वेस्ट करिए अपने आप को. आप लोग पढ़ नहीं रहे हो अच्छे से. ऊपर बताइए क्या आएगा? 1/5. खत्म हो गया ना पहला पार्ट तो? यस सर जी. प्लस बोलिए. 1/4. प्लस बोलिए. 1/5 × 2/4. बोलिए. 1/5 × 3/4. बोलिए. 1/5 × 3/5 का स्क्वायर कर दीजिए. अरे मेरे पास जगह ही नहीं है, क्या करूं? हाँ तो क्या 3/4 है ना ये? यस सर. 3/4 है. फिर यहाँ पे, अरे हाँ बताओगे
अच्छा क्या है आंसर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भाई साहब, और ये तो कट गया 20, यस सबका 20 कट जाएगा ना, हां सर, क्या बचेगा 4 नीचे का एक्स्ट्रा आ जाएगा, और यहां पे 1 प्लस शायद हो सकता है 5 बाय 8 सही हो, मैं दूसरा क्वेश्चन दे दिया गलती से, चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, बता कितना है 16 और 25, कितना है ये 30/4 इंटू, ये क्या लिखा है बताओ, 10 10 लिखा है, हाँ सर, क्या आ गया आंसर, 3/8 आपको क्वेश्चन का कुछ भी समझ में आया क्या, ए बी सी डी अक्षर, यस सर, हाँ सर, आप लोग घर जाके नोट्स पढ़ते हो दोस्त, हाँ सर, यस सर, अरे काई फायदा है मुझे इतनी मेहनत करने की प्रोबेबिलिटी में यार, समझो ना अच्छे से, क्योंकि टफ है ही नहीं है, टफ है ही नहीं है, या तो ट्री से कर लो या बिना ट्री कर लो, दोनों से दोनों में कुछ टफनेस ही नहीं है, ये बात चमकती है क्या अच्छे से, हां सर, लंदन क्लिफ्टन का क्वेश्चन जो है ना वो कल करके आ जाना सर, मतलब अगर दिया, हाँ। दिया हो तभी भी हमें लिखना है, यस W0 जीरो क्या दिया है, क्या दिया है गिवन, एक एक बॉल कंफर्म बोला है ना, ना ना ना, तो आप अच्छा आप तो उस केस में आप W1 की प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, 1/4 लिखोगे, नहीं W0 बोल रहा था मैं, हां W0 आपने 0 कर दिया मान लिया मैं, आप तो W1 के, नहीं नहीं सुनो मेरी बात, W1 की जो ब्रांच लिखोगे उसकी प्रायोरिटी क्या लिखोगे बताओ मुझे बस, 1/4 की 1/5, वो तो 1/5 होगा ना, अच्छा ऐसा कह रहे हो तो चलेगा, बट वो नाटक करने का फायदा क्या, फिर एग्जाम में गलती हो 1/4 कर दोगे, पर 1/5 का तो इशू नहीं है मुझे, देन इट इज राइट, बट पीपल डू द मिस्टेक ऑफ राइटिंग 1/4 हियर, लोग क्या कहते हैं कि सर आपको दिखाता हूं मैं, रुको चलो पहले आप कॉपी कर लो, मैं इस क्वेश्चन को ना और खोलता हूँ अभी, ठीक है, और एक था सर, वो ब्लैक एंड व्हाइट दिया है ना, तो मतलब ब्लैक कंपलसरी, ऐसा ये नहीं है ना, ब्लैक एंड व्हाइट दिया था दो कलर, हाँ? तो ऐसा ब्लैक रहना कंपलसरी नहीं है ना, कि ब्लैक रहेगा, ब्लैक दिया है तो, और क्या रहेगा, मतलब W4 वाला केस बोल रहा हूँ, अरे उसने बोला ना कि ईच नंबर कैन प्रेजेंट ना, ईच नंबर कैन बी प्रेजेंट ना, तो ब्लैक जीरो भी तो हो ही सकता है ना, ये पांच जब आपको ये मालूम ही नहीं है कितने बॉल्स किस कलर के हैं, तो यही पांच इक्वली लाइकली केस है ना आपके, ओके नहीं समझा, हां समझ, मैं पूछ रहा था कि अगर दिया है तो कंपलसरी लेना है कि नहीं, लेना है ओके आप समझे नहीं ना, वही मैं आप फिर कंफ्यूज हो गए हो, इक्वली लाइकली केस बनाना है, ये बात ध्यान रखो, ठीक है, कॉपी कर लिए क्या आप लोग ये क्वेश्चन, नहीं सर, कल की नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 3 करेंगे, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 करेंगे, यस सर, सर कौन से क्लास में, कल ना, कल की नेक्स्ट क्लास में, ओके सर, सर कल वैसे क्लास नहीं है, आपका टाइमिंग, तुम लोग क्लास है कल, कल सिर्फ फिजिक्स है और कुछ नहीं, आपका नहीं है सर, हाँ तो लग जाएगा मेरा, अब करें क्या, यस सर, आई थिंक डाउट लोगों के मन में आना चाहिए, नहीं बट लोगों के मन में डाउट आता है, और मुझे गुस्सा आती है, डाउट आता क्यों, हमें सही में बहुत तेज चिड़ बढ़ती है कि सब प्रायोरिटी करने पे ना, आज तक मुझे बहुत ही कम बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, ठीक है, जो मैंने आपको दिया है पिछला क्वेश्चन, मुझे चमकता नहीं इसमें दिक्कत क्या है, there are four, आपका भी मैं फील है बोर्ड पे ना ज्यादा फील आ पाती है इसकी, four balls in a bag not known what color they are,
मतलब ठीक है, फोर बॉस मालूम है ना क्या होगा बोलो, या तो ब्लैक है या तो व्हाइट है. वन बॉल ड्रॉन है लो, वन बॉल ड्रॉन फाउंड टू बी व्हाइट, फाउंड टू बी व्हाइट, फाइंड प्रॉब दैट बैग हैड फोर व्हाइट. आप मुझे ये बता सकते हो किस क्वेश्चन में पूछा क्या है? सर व्हाइट गिवन व्हाइट फोर, वो जो पहला केस आया था. गुड यार, गुड 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 गुड. लोग इस क्वेश्चन में पहली मिस्टेक जो करते हैं, लोग प्रायोरिटी व्हाइट लिख देते हैं, गलत है. सॉरी, प्रायोरिटी W4 लिख देते जो गलत है. ये नहीं पूछा है. क्या पूछा है? W4 इवेंट वाइट है ना. अच्छा, ये अगर इवेंट नहीं होता, अगर मेरे को कलर नहीं बताता, तो अपने पास इवेंट्स कितने पॉसिबल हैं? अरे बोलो भाई. W0, W1, W2, W3. सबकी प्रायोरिटी कितनी है? ये इवेंट हो गया, इस इवेंट का रिजल्ट बता दिया मेरे को. ये इवेंट हो गया और इस इवेंट का रिजल्ट बता दिया मेरे को. ठीक है, तो मुझे ये बताओ तुम कि W4 गिवन W जो होगा वो 1/5 से बड़ा होगा कि कम होगा? तुम्हारा मैंने सिक्सर तुम्हारे दिमाग भाई. ये तो है. मुझे बताओ W4 गिवन W कम होगा, W4 गिवन W 1/5 से बड़ा होगा कि ज्यादा, क्या होगा? कम होगा. आप सोच नहीं पाए. सोचो 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 सोचो, दिमाग को एकदम ओशियन के बॉटम तक ले जाओ. सोचो, अगर व्हाइट बॉल पा ली गई है एक बार, तो बैग में चार व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि कम है? सर ज्यादा है. ज्यादा होनी चाहिए, मुझे लगता है ज्यादा होगी. आई पर्सनली फील ज्यादा होगी. तो निकालते हैं सारा केस. प्रोबेबिलिटी ऑफ W0 गिवन W क्या होगा? जीरो. कोई शक? नो सर. W0 सॉरी W1 गिवन W क्या होगा बोलो? कमान यार. मजा ही चला रहा है यार. जो लोग अच्छे बच्चे हो ना, जो पढ़ते हो ना, वो अपना नुकसान कर रहे हो मेरी क्लास में नहीं बोल के. मैं अपनी नॉलेज को वहीं पर रोक दूंगा. मुझे लगे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है. W की प्रॉपर्टी कितनी है यहाँ पे? जीरो. यहाँ पे 1/4. अबे चमकता है. जो लोग चुप रह रहे हो ना और पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा मतलब बच्चा मतलब मैं मेहनत मानता हूँ. जो मेहनत करते हैं ना, प्री क्लास में इंटरेक्ट करो भाई. मुझे लगता है कि नहीं आ रहा, मैं छोड़ दूंगा फिर उतनी पे चीजों को. तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? 1/5 × 1/5. ऐसा आएगा. नीचे में W नहीं है, नीचे में W नहीं आएगा. कैसे आएगा बताओ? W आ चुका है ना बॉस? नहीं, आप लोग को फील नहीं आई है बिल्कुल. आप लोग को फील नहीं आई? W1 इंटरसेक्शन W बाय प्रायोरिटी ऑफ W होगा ना भाई. हेलो. हाँ सर. तो W की प्रायोरिटी कितनी है? 1/5 × 0, 1/5 × 1/5 × 2/4, 1/5 × 3/4. जितना मैं आज पढ़ाया है ना आपको, आपको घर जाके कम से कम, अगर ईमानदार हो, कम से कम 2 घंटा लगेगा आज पढ़ाया मैं उसको अच्छे से और घुसने के लिए डेप्थ में. W1 इंटरसेक्शन W क्या आएगा बताओ बे? क्या बताओगे बे? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर. कितना है आंसर? 1/10.
वन बाई टेन क्या, वन बाई ट्वेंटी क्या बोल रहे थे तुम, दिमाग खराब हो गया है क्या? डब्ल्यू वन क्यू डब्ल्यू तुम मल्टीप्लाई क्या निकालोगे यार, क्या है यार? डब्ल्यू टू क्यू डब्ल्यू क्या होगा? डायरेक्ट ट्रिक्स नहीं निकालते हैं भाई, बना के लिखते हैं, हमेशा बनाते हैं ना बॉस, नहीं बनाते हैं क्या? बनाते हैं सर। बोलो कितना आ रहा है इसका? टू बाई टेन। डब्ल्यू थ्री गिवन डब्ल्यू थ्री बाई टेन, थ्री बाई टेन। डब्ल्यू फोर गिवन डब्ल्यू फोर बाई टेन। तो ये सारी प्रॉबिलिटी जो आई है चार केस की, वो क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है? यस सर। एक्सक्लूसिव समझ में आता है मुझे, एग्जॉस्टिव क्यों हो गया? क्योंकि कॉमन नहीं है कुछ में। अबे ओए एक्सक्लूसिव के लिए कॉमन है, एग्जॉस्टिव क्यों हो गया? उनका संबंध। अरे भाई डब्ल्यू एक इवेंट है ना, आप जो इसके पहले भी इवेंट लिखते थे वो अंडर गिवन एस होता था ना, अंडर सैंपल स्पेस। यहाँ पे इवेंट क्या हुआ है? डब्ल्यू तो बता रखा है ना मैंने। अरे यार हम तो पहले भी जो प्रायोरिटी ऑफ ए लिखते थे वो क्या होता था, प्रायोरिटी ऑफ ए गिवन ऐसी था ना भाई। यहाँ पे चार ही इवेंट्स बनेंगे ना, वन बाई टेन टू बाई टेन थ्री बाई टेन फोर बाई टेन, बोलो भाई। अरे आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। देखिए अब बताओ वाई डी प्रायोरिटी क्यों बढ़ गई, वाइट की प्रायोरिटी बताओ, फिजिकल रीजन क्या होगा, प्रायोरिटी क्यों बढ़ गई वाइट, क्या लगता है आपको कॉमन सेंस से? सर वो चार वाइट है ना, तो चार वाइट से ज्यादा। हाँ चार वाइट ज्यादा आने के ज्यादा ऑब्वियस सी बात है, ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा पिछले क्वेश्चन से यहाँ पे अटैच करो जरा, जो पिछला क्वेश्चन था यही क्वेश्चन था ना? हाँ सर। तो पिछले क्वेश्चन अब इसके इन सैंपल स्पेस इन चार पार्ट में बढ़ गया, इसके बाद एक और इवेंट हुआ था ना पिछले केस में, याद है? Yes, yes. क्या इवेंट हुआ था पिछले केस में? वाइट आया था, वाइट आया था है ना? तो अगर चाहो उस क्वेश्चन को तो ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो ना कि वाइट, तो वाइट इंटरसेक्शन ये चारों पार्ट कर सकते हो ना, बोलो हाँ या ना? हाँ सर वाइट इंटरसेक्शन W1 W2। अरे सैंपल स्पेस तो तुम्हारा चार पार्ट में बढ़ गया ना बेटा। यस सर। आप समझ रहे हो, मैं इसको अगर X1 X2 X3 X4 कर दूं आपको क्या लगता है W1, हो जाएगा ना इससे भी? नहीं होगा, हो जाएगा। आप समझ रहे हो आपको क्या निकालना था उस केस में, लास्ट वाले पेज में क्या निकालना था बताओ? ये सर्कल हो गया है ना, पिछले केस में क्या निकालना था? सर्कल का होना, राइट? यस सर। अरे हेलो, सर्कल का होना और किस पार्ट से होना, हम लोग को पिछले पार्ट में क्या निकालना था? सर्कल का नहीं, पिछले पार्ट में हम लोग को क्या निकालना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट गिवन वन बॉल इज ड्रॉन एंड फाउंड टू बी व्हाइट। ये बात चमकती है। Yes, आपको वहां पे, यहाँ तो वन बॉल व्हाइट आ गया, आपको ये निकालना है ना प्रायोरिटी ऑफ व्हाइट गिवन ये चार केस में ना व्हाइट। हाँ सर। इन्हीं चार केस में आया है ना व्हाइट गिवन व्हाइट, है कि नहीं? यस सर। या निकाल के मुझे लगता है कल इसको डिस्कस करेंगे, जरा देखना, मुझे लगता है इससे आंसर आना चाहिए। आपको लगता है आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। सर उसी ट्री को ही एक्सटेंड कर देंगे तो भी आएगा। हाँ डब्ल्यू एक्स वन प्रायोरिटी डब्ल्यू एक्स टू डब्ल्यू एक्स थ्री डब्ल्यू एक्स फोर। आप मैथमेटिकली सोचो जरा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बोलो? डब्ल्यू गिवन एक्स वन इनटू प्रायोरिटी ऑफ एक्स वन, चमक रहा है? यस सर। अरे प्रायोरिटी ऑफ एक्स वन जो पिछले केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आया था, डिवाइड करके देखना एक बार, याद है? ऊपर में तीन टर्म था, नीचे में दो टर्म थे, तो ऊपर के दो टर्म का और नीचे का चार टर्म का सम ही है ना प्रायोरिटी एक्स वन, करके देखना एक बार कि आंसर आता है कि नहीं आता है। ये बात चमकती है, कल आपसे पूछेंगे। अरे कर लोगे, मैं करके दिखाऊं पूरा, बोलो भाई। वन बाय चलो बोलो
पहले वाले केस में क्या आएगा प्रायोरिटी ऑफ एक्स वन वाइड गिवन एक्स वन मतलब अरे बैक से वाइट निकाला जा चुका है ना और वाइट पाया जा चुका है ना अब वाइट की प्रायोरिटी कितनी रहेगी वहां पे 1/4 रहेगी ना यार यहाँ पे क्या रहेगी 3/4 into 4/4 into अरे चमक रहा है क्या सर x2 x3 के लिए 2/10 3/10 के लिए 2/10 देंगे 2/10 हाँ 3/10 और 4/10 जो कितना आ गया बताओ वही आया ना 30/4 into 10 सेम आया कि नहीं आया सेम आया सर एल्जेब्रिकली चेक करना इस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन में कि p ऑफ x1 यहां पे जो है और वहां पे क्या हो जा रहा है ये बात चमकती है हां सर यस सर अच्छे से कॉपी करो अच्छे से नोट्स रिवाइज करना ठीक है आज का स्पेशली ढंग से रिवाइज करके आओ अरे इतना क्लियर है क्या हां सर चलो ठीक है मैं कल क्लास का बताता हूं ठीक है कॉपी कर लिए नहीं किए थोड़ा ऊपर लेके ऊपर सर आपने कल का होमवर्क क्या बोला था कुछ होमवर्क नहीं है यही क्वेश्चन आज पढ़ाया है ना उसको रिवाइज करिए आज जो पढ़ाया है मैं उसको ही रिवाइज करो बस ओके सर रब करें नो सर रेप करें यस सर चलो ठीक है बाय